अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पंडित जी, कब का मुहूर्त निकल रहा है? हमने आपकी और प्रियंका की कुंडली देख ली है। आप दोनों के विवाह का मुहूर्त 3 दिन पश्चात निकल रहा है, जो अत्यंत ही शुभ है। कैसे कठोर दिल वाले इंसान है, एक तरफ हमारी मांग में सिंदूर भरते, हमें नीचा दिखाने के लिए किसी और से शादी कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, इन्हें सद्बुद्धि देना। हमें लगता है 3 दिन काफी होंगे शादी के लिए। वाजी, आपकी जहां की तैयारी देख लीजिए और हो सके तो प्रियंका की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। हाँ, लेकिन आर्या, अभी तो रस्म होगी कि पहले प्रियंका के घर से शगुन आएगा, उसके बाद फैसला लेंगे। आज्ञा दीजिए। जय राम जी। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, तिकड़ी ने अपनी बुद्धि लगाई है, वरना कल तक आर्या को इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और आज अचानक ऐसा क्या हो गया? जी, हम ना ससुर जी के सामने अपनी जुबान भी नहीं खोल पाते, और इतनी बड़ी बात के लिए कैसे मनवा सकते? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो और गांठ बांध लो। मैं कैलाशी देवी इस बात की तह तक जरूर जाऊंगी, राम जी की सौगंध। ये बुआ ना पता नहीं क्यों अपना सारा गुस्सा हम पर निकाल दिया। वही तो, कुछ करो तो गलत, ना करो तो गलत। पर दीदी, आपको पता है, अगर आज बुआ जी ससुर जी को उस नौकरानी के पीछे लट्टू होते हुए देख लेते ना, तो 3 दिन बाद का मुहूर्त कल का ही निकलवा लेती। दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ तो बात है जो ससुर जी छुपा रहे हैं, शायद कोई बड़ा राज। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए मुहूर्त निकाला। बेटा, तुम्हारे कहने पर मैंने बिना मुहूर्त वाली तारीख निकाल दी, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि इस विवाह के साथ साथ तुम्हारे जीवन में घोर विपदा आएगी, क्योंकि तुम्हारे और प्रियंका के कुंडली में कोई मेल नहीं है। पंडित जी, हमारा नाम आर्य प्रताप सिंह है। आप शायद जानते नहीं है कि 5 सालों में हमारी 3 बहू ने हमें कितना कष्ट, कितना दुख दिया। जब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये 4थी औरत हमारा क्या करेगी? आप चिंता मत कीजिए। जी, आप कब आई? आर्या, मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ, इतनी जल्दबाजी में ये शादी, तुम्हारा ये सही फैसला नहीं है। आर्या, बिना नियमों के पालन के, बिना रिवाजों के पालन के ये शादी बिल्कुल गलत बात है। जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। शायद बुआ जी ने हमें पंडित जी से बातें करते हुए सुन लिया है, और अगर इन्होंने हमारी बातें सुननी होंगी तो फिर पक्का हमारी शादी कैंसिल कर देंगे। आर्या, किस सोच में डूब गए? तुमने मेरी बात सुनी भी कि नहीं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अंजलि बहू की आखिरी इच्छा थी कि तुम दोबारा शादी करो। मैं समझती हूँ ये, पर तुम भी ये बात अच्छी तरह से समझते हो कि इसका ये अर्थ नहीं है कि हम सभी बातों को ताक पर रख दें। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हर फैसला तोल मोल कर करती हूँ, तो फिर तुम्हारा ये शादी का फैसला, वो भी इतनी जल्दबाजी में, मैं कैसे उसे स्वीकार करूं? और आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? अंजलि के जाने के बाद ना दूसरी शादी करना वैसे ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है,
काश हम आपको समझा पाते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई बात तो जरूर है जो आर्या मुझसे नहीं कह रहा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्या मुझसे अपने दिल की बात नहीं कह रहा है। कोई बात उसे खाए जा रही है या नक्की कोई बात है? राम जी की सौगंध, मैं पता करके ही रहूंगी। जी, हम ये शादी ना अंजलि की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हैं, और वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, तो कर लेते हैं शादी। आप दोनों के विवाह का मुहूर्त 3 दिन पश्चात निकल रहा है, जो अत्यंत ही शुभ। 3 दिन काफी होंगे शादी के लिए? क्या हुआ? अपना प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा है क्या? 1, 2, 3 आज से ठीक 3 बाद हमारी प्रियंका से शादी होगी, और जिस रास्ते से तुम इस घर में आई हो ना, उसी रास्ते से हमें बाहर जाती हुई नजर आओगे। 3 दिन की शादी आप आज कर लीजिए, हमें कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तुम्हें? इतनी प्लानिंग चुकी है तुमने, होटल रूम का सेटअप, कबीले वाले लोगों के बीच हमारी शादी। सोच रही होगी ना कि कितने आराम से हमने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया। पानी फेरने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। आप अपने ख्याली पुलाव बनाकर ऐसे ही खुश होते रहिए। खुश तो बहुत है, क्योंकि अब तुम्हारे दुखी होने का वक्त आ गया है। सच कहा है किसी ने, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो सच होते हैं और ईमानदार होते हैं। इसलिए आज भगवान हमारे साथ है, तुम जैसे लालची के साथ नहीं है। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि इतनी आराम से हम तुम्हें इस घर से जाने तो नहीं देंगे। भाई, घर में शादी है, नौकरों की जरूरत पड़ेगी, तो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, और ये सजा तो हम तुम्हें देंगे। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हाँ है हम लालची, लेकिन अपनी मेहनत के पैसों के। आपके घर में काम कर रहे हैं ना, शादी की तैयारियां करना तो बनता है हमारा। आपसे अपनी मेहनत के पूरे हक के पैसे लेके आओ। लेकिन पैसे कमाने के लिए हाथ भी तो चलाने पड़ते हैं, और हम तुम्हारे हाथों को इतना व्यस्त कर देंगे कि आराम करना तो दूर, तुम्हें सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा। ये वादा है हमारा, वरना हमारा नाम आर्य प्रताप सिंह नहीं। इसका मतलब जिस नौकरानी उर्फ गोपिका के पीछे ससुर जी मंडरा रहे थे, उसके साथ इनकी शादी हो चुकी है। गोपी, जी ससुर जी आए थे ना यहाँ पर, क्या कह रहे थे वो तुमसे? क्या हमने पूछा? ससुर जी तुमसे क्या कह रहे थे बताओ जी। क्या हो रहा है यहाँ बुआ जी? वो हम पानी लेने आए थे। गोपी,
गोपी जी तुमसे जरूरी काम है, चलो जी चलो। चल क्या रहा ससुर जी और उस लड़की के बीच? कुछ तो है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ चारों तरफ घूमकर गौर से देखो, एक घंटे का समय है, हाथ बढ़ाओ। पकड़ो, यहाँ की सारी साफ सफाई तुम्हें एक घंटे में करनी है। एक घंटा? लेकिन एक घंटा तो बहुत कम है बुआ जी इसके लिए। अच्छा, कैलाशी देवी का हर फैसला तोल मोल कर होता है, और तोल मोल कर मैंने सही अंदाजा लगाया है कि एक घंटे में यहाँ की सारी सफाई हो सकती है। अगर तुमने एक घंटे में ये सफाई नहीं की तो इससे भी बड़ी सजा के लिए तैयार रहना, क्योंकि गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। खड़ी रहने के लिए सजा नहीं मिल रही है, काम पर लगो। तुम्हारा वक्त शुरू होता है आप। एक घंटा जी, एक घंटा गोपी काम पर लग जाओ। जानते हैं कि हमारी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वाला लहंगा तो हम ही लेंगे दीदी, ये वाला लहंगा तो हम ही लेंगे। और लहंगा लेकर करोगे क्या? ससुर जी की शादी में नाचेंगे और क्या। नाचोगी तब ना जब शादी होगी। शादी होगी मतलब? आज ही तो मुहूर्त निकलवाया जेलर ने। What happens दीदी, कहीं वो बुआ जी अपना तोला राम लेके फिर से तो बीच में नहीं घुस गई? नहीं नहीं नहीं, वो जेलर ना अब किसी की नहीं सुनने वाला, ये शादी तो होकर ही रहेगी। नहीं होगी, क्योंकि वो नौकरानी गोपी ने ससुर जी को फंसा कर उनसे शादी कर ली है। क्या? क्या? हाँ। क्या? ओएमजी हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, कोई ससुर जी को भी ऐसे बेवकूफ बना सकता है क्या? नहीं तो जीजी, ये गोपी का तो बहुत चालाक निकली। चालाक है वो लड़की, तभी तो उसने हमारे ससुर जी को फंसा कर उनसे शादी कर ली। उसके बाद हमारी बुआ, कलेशी बुआ, जो सब कुछ तोल मोल कर करती है, उन्हें लपेट कर उन्हें फंसा कर हमारे घर में आ गई। पर जीजी, जेलर ने किसी को शादी के बारे में बताया क्यों नहीं? किस मुंह से बताएंगे, किस मुंह से बताएंगे? तो हमें समझ जाना चाहिए था जब वो उस नौकरानी के आगे पीछे मंडरा रहे थे। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, कहां ससुर जी, कहां वो गोपी? जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम उस नौकरानी को ना हमारे प्लान में पानी फिरने नहीं दे सकते। जीजी, क्या सोचा है आपने? सोचा तो नहीं, जरूर कुछ सोचेंगे। उस गोपिका को ना किसी भी तरह इस घर से निकालना होगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन
लेकिन उसका यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं। पर आई हो। हाँ। अब हमारा एक काम करो ना जल्दी से कि सारे के सारे डब्बे ना वहाँ स्टोर रूम में रखाओ। लेकिन हमारे पास और काम पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। चलो जाओ रखाओ, ये भी तो काम है ना, जाओ। जी। बस थोड़ी देर और, फिर ये हमेशा के लिए इस घर से बाहर होगी। अब तुम एक काम करो, तुम आराम से अंदर जाओ। वो क्या है ना कि अंदर बहुत सारा सामान है, खास करके मसाले। ससुर जी को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा हेट्स है ना, तो वो है मसालों की स्मेल्स। तो तुम आराम से ये डब्बे अंदर रखो, और जब तुम्हारा काम हो जाएगा ना, तुम हमें बुला लेना, हम झट से खोल देंगे। अगर एक घंटे में हमने उस जगह को साफ नहीं किया तो बुआ जी हमें घर से निकाल देगी। लेकिन दीदी वो ये काम हम आपका बाद में करें, हमें एक जरूरी काम बाहर है, तो हम बाद में करते हैं ना। ये भी तो काम है ना। हाँ चलो चलो जल्दी अंदर जाओ। पर गो इनसाइड्स। अंदर गई मतलब गई गई। चीची ये प्लान काम करेगा ना? 100% काम करेगा। ये वो जहर है जो एक बार में काम तमाम कर देता है, इसका कोई तोड़ ही नहीं। अब देखना, ससुर जी और प्रियंका के शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। संतरा दीदी, दरवाजा बंद हो गया, खोलिए ना, इसे खुल नहीं रहा है। चुप हो जाओ, ससुर जी इसी तरफ आ रहे हैं, और अगर उन्होंने मसालों की स्मेल सूंघ ली तो छींक देंगे। हम बता रहे हैं, हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। फिर तुम्हें रुको, खोलते हैं। हे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में तो समस्या कम होने का नाम ही नहीं लेती। संध्या दीदी दरवाजा खोलिए, हमें बुआ जी का काम भी करना है। एक घंटे के अंदर खोलिए ना। जीजी चले, एक बार उसकी चीख की आवाज सुन ले, फिर आराम से जाके बैठते। ये आवाज कैसी? ये आवाज इधर से आ रही है क्या? ये आवाज इधर से आ रही है। शायद वो आ गया। दरवाजा सीधा स्वर्ग का खुलेगा, ये वाला नहीं, क्योंकि इस सांप के जहर से कोई नहीं बच पाया। मैंने गोपी को एक घंटे के अंदर काम पूरा करने के लिए कहा है, देखती हूँ काम पूरा किया है कि नहीं। ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? वही तो, पता नहीं। दरवाजा खोलिए, हम अंदर 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 सांप है, दरवाजा खोलिए।
ये तो गोपी के चीखने की आवाज है, वही कहीं से आ रही है, हमें देखना होगा। आओ आओ जल्दी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या करें क्या करें क्या करें? ज़्यादा सोचो मत, भागो 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 भागो। इनकी तिकड़ी यहाँ क्या कर रही है? गोपिका, उसकी चीखने की आवाज यहीं कहीं से आ रही थी। बुआ जी, जी भैया, कोई कोई है, दरवाजा खोलिए। ये तो गोपी के चीखने की आवाज है। गोपी, गोपी अंदर कैसे है? पता नहीं बुआ जी, हम अंदर हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे। दरवाजा अंदर, दरवाजा बाहर से बंद है, खोलिए। बहुत बहुत बड़ा साफ है बुआ जी। सांप, अंदर सांप कहां से घुसाया? दरवाजा अंदर से बंद है। बुआ जी, हम लल्ला देखो तो। इसी इमरजेंसी के लिए प्लान बी बनाया था। अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें कैसे भी करके इस गोपी को बचाना होगा। पता नहीं सच में सांप है या कोई नाटक कर रही है हर बार की तरह। हे भोलेनाथ, किसी को भेजिए हमें बचाने के लिए। अचानक तुम्हें क्या हो गया? खोले दरवाजा, गोपिका। आर्या, क्या कर रहे हो तुम? देखी तुमने अपनी हालत? एक अनजान लड़की के लिए? अनजान लड़की नहीं है, वो हमारी पत्नी है।